गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड थ्री स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन की हमने जो है इसके लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन करा था और इसकी थ्री स्टेजेस करी थी, जिसमें कि कैसे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में और डिक्रीजिंग में एंड फिर जो है नेगेटिव में जाता है प्रोडक्शन। ठीक है, आपकी जो है मार्जिनल प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव नेगेटिव एंड डिमिनिशिंग होती है। ठीक है ना, तो ये जो है इसका रिलेशन जो है ये आपने ये भी करा था हमने कि जिसमें किस किस स्टेजेज है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। ठीक है, और कैसे ये फर्स्ट स्टेज में जो है आपका टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होता है और आपका जो है मार्जिनल प्रोडक्शन जो है हाईएस्ट होता है। ठीक है, एंड देन जो है सेकंड स्टेज में ये जब कॉन्स्टेंट होता है आपका टोटल प्रोडक्शन, ठीक है, इसके बाद जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, तो आपका मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो कैसे जो है नेगेटिव ज़ीरो होके इसके बाद जो है ये नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। तो ये रिलेशन हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, कि ये जो आपकी स्टेजेस है इनकी क्या इंपॉर्टेंस है या क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट स्टेज आती है कि जैसे आपका विल यू एज अ प्रोड्यूसर स्टॉप इन अ स्टेज वन ऑफ प्रोडक्शन, कि आप अगर प्रोड्यूसर हैं ठीक है, तो आप क्या करोगे स्टेज वन में प्रोडक्शन की जो स्टेज वन है जिसमें कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका टोटल प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे आप एम्प्लॉयमेंट ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट इज गिविंग मोर एंड मोर मार्जिनल आउटपुट। इसमें आपको जो है जो आपकी स्टेज वन है इसमें आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंड आपका जो है आप जैसे एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर की लगाते जाते हो आपको ये क्या करता है मोर एंड मोर जो है मार्जिनल आउटपुट जो है वो देता रहता है। ठीक है, तो आप इसमें जो है स्टॉप करना चाहते हो कि आपको क्या इसमें प्रोग्रेस हो रही है या आप इसको प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, लेकिन विल यू एज ए प्रोड्यूसर एंटर इन स्टेज थर्ड ऑफ प्रोडक्शन, ये आपकी स्टेज फर्स्ट है। ठीक है, आपको इसमें प्रॉफिट हो रहा है, आपकी टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, आपका ये थर्ड स्टेज है, आपकी टोटल प्रोडक्शन जो है कम हो रही है, डिमिनिशिंग हो रही है, कम हो रही है, और यहाँ आपका मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो नेगेटिव में चला जा रहा है, जीरो हो गया है, उसके बाद नेगेटिव में चला गया थर्ड में। ठीक है, तो आप इस समय अपना प्रोडक्शन जो है क्या करोगे, इस समय अपना प्रोडक्शन जो है वो बंद करने का सोचोगे, क्योंकि अगर आप इसको आगे कंटिन्यू करते हैं तो आपको लॉस जो है लॉस ही होगा, इसमें जो है आपको नेक्स्ट प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत कम है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसमें कॉजेज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ, कि क्या कारण है कि ये जो आपका लॉ है वो अप्लाई होता है। ठीक है, तो इसमें मेन कॉजेज हैं इनविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, और आपका सेकेंड है इसमें फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंड थर्ड है आपका मोर देन ऑप्टिमम यूज ऑफ फिक्स फैक्टर, एंड लास्ट है आपका इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो आप फर्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है इसका इनविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, कि आप जो है सबसे इसका मेन कॉज ये है फर्स्ट स्टेज जो है आपकी इंक्रीजिंग रिटर्न है वो कैसे है आपकी, क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या है इनडिविजिबल है। ठीक है, जैसे आप जो है इन ऑर्डर ऑफ प्रोड्यूस गुड्स अप टू गिवन लिमिट, आप जो है एक लिमिट पे जो है आप अपने गुड्स को प्रोडक्शन करते हो। ठीक है, एटलीस्ट वन यूनिट ऑफ द फिक्स फैक्टर इट इज अ मस्ट। फॉर एग्जांपल जैसे एक स्मॉलेस्ट स्टिचिंग मशीन है, ठीक है, कैन स्टिच 10 dozen ऑफ एक्सरसाइज बुक पर आर, नाउ वेदर यू स्टिच वन एक्सरसाइज बुक। अगर आपके पास एक जैसे आपने काम करना है, ठीक है, स्टिचिंग मशीन है आपकी जो एक्सरसाइज बुक है उसको जो है उसका काम जो है वो एक घंटे में जो है वो एटलीस्ट 10 dozen जो है वो क्या कर सकती है स्टिच कर सकती है बुक को। लेकिन अगर आप उसमें काम ही नहीं करो, आप अब वेदर यू स्टिच वन एक्सरसाइज बुक और 1 dozen ऑफ एक्सरसाइज बुक और 10 dozen ऑफ एक्सरसाइज बुक, यू विल रिक्वायर दिस मशीन। ठीक है ना, आपको कम से कम ये मशीन जो है वो क्या करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, एज देयर इज़ नो अदर मशीन। ठीक है ना, उसके लिए आपके पास कोई और अदर स्मॉलर मशीन नहीं है कि आप एक बुक आपको एक्सरसाइज सॉरी स्टिच करनी है एक्सरसाइज की, तो आप छोटी सी कोई मशीन ले लो, आपको ये जो मशीन है वो आपकी इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इफ़ यू गेट दिस मशीन ऑन हायर ऑफर ₹2 per hour, ठीक है ना, ₹2 per hour लगती है, तो आप जो है वो स्टिच क्या करेंगे, 1 dozen जो है स्मॉल ऑफ एक्सरसाइज बुक का कॉस्ट स्टिचिंग, जैसे जैसे आप अपनी एक्सरसाइज बुक की जो है क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे आपकी कॉस्ट ऑफ स्टिचिंग जो है वो क्या आती जाएगी, कम आती जाएगी। ठीक है, तो ये आपका इंडिविजुअलिटी ऑफ फैक्टर्स आता है कि
कि जैसे जैसे आप जो है अपनी एक्सरसाइज यानी कि काम करने का जो आपका तरीका है, अगर आप उसमें मशीन जो है उसकी तो वो तो काम करेगी, उसको 1 आवर आपने 2 रुपये पर आवर से लिया हुआ है, ठीक है, आप उसमें एक एक्सरसाइज आपको ज़रूरत है, आप उसको करके छोड़ दोगे तो आपको तो उसका लॉस होगा ना, ठीक है, तो आपको कॉस्टली पड़ेगी। जैसे आपकी एक्सरसाइज जो है बुक जो है आप उसको ज़्यादा करने का सोचोगे, आपको पर बुक जो है पर डजन जो है वो आपको सस्ता यानी कि ईजिली चीप एंड बेस्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका है, इसके कारण भी ये लॉ जो है वो अप्लाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका और नेक्स्ट है आपका इसमें फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है कि जो आपका जो मेन कॉज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द सेकेंड स्टेज है, आपका वन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज अ वेरिएबल और दूसरा क्या है आपका फिक्स्ड है, जो कि हम शुरू से करते आ रहे हैं। व्हेन दिस वेरिएबल फैक्टर इज यूज विद फिक्स फैक्टर, आप जो है जो वेरिएबल फैक्टर को फिक्स फैक्टर के साथ जो है यूज करते हैं तो रेशियो जो है वो कंपेयर की जाती है किसके साथ, टू वेरिएबल फैक्टर के साथ, ठीक है। कि और प्रोडक्शन इज द रिजल्ट ऑफ द कॉपरेशन ऑफ द ऑल फैक्टर, ठीक है, ये जो प्रोडक्शन है वो कॉपरेशन से आ रहा है, ठीक है ना। आपको अगर दोनों फैक्टर जो है आपकी कॉपरेशन से ही जो है आपकी प्रोडक्शन जो है वो आ रही है। इफ़ एन एडिशन यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर हैज टू प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ अ रिलेटिवली लेस यूनिट ऑफ फिक्स फैक्टर देन द मार्जिनल रिटर्न ऑफ द फिक्स फैक्टर बिगेंस टू डिमिनिश, ठीक है ना। जैसे एक हेक्टर लैंड है, आप उसके ऊपर 5 लेबर लगा रहे हो, ठीक है, या 10 हेक्टर लैंड है, ठीक है, आप उसमें जो है इन अ फील्ड मेजरिंग 10 हेक्टर 5 लेबर जो है वो उसके इम्प्लाइड है। अब लैंड इज फुली यूटिलाइज विद द हेल्प ऑफ दीज 5 लेबर, इन दिस केस लैंड लेबर रेशो इज अ 2:1। ऑन द कंट्रेरी इफ द नंबर ऑफ लेबर इज इंक्रीज 10 देन द न्यू लैंड रेशो 1:1। तो इससे क्या होता है, आपको जो है पर पर्सन के पास जो है वो लैंड जो है वो कम आ जाती है, ठीक है, तो उसमें जो है 1 हेक्टर लैंड विल प्रोड्यूस लेस, तो जो 1 लेबर है 1 हेक्टर लैंड के ऊपर काम करेगा तो वो प्रोडक्शन भी उसका क्या होएगा, कम होएगा देन जो 2 हेक्टर ऑफ लैंड जो लेबर जो काम कर रही थी पहले, ठीक है। तो दस जो है रेशियो ऑफ अ लैंड जो है जो फिक्स फैक्टर है टू द लेबर यानी कि वेरिएबल फैक्टर है वो क्या करता है, अगर कम होता है या ज़्यादा होता है, ठीक है, इसमें मार्जिनल जो है आपकी प्रोडक्शन जो है वो लेबर की क्या होती रहती है, डिमिनिशिंग हो जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। जैसे जैसे आपको यानी कि एक लैंड 2 हेक्टर लैंड मिली हुई है और एक को 1 हेक्टर लैंड मिली हुई है, ठीक है, पहले आपके पास 2 हेक्टर लैंड थी, अब 1 हेक्टर है, तो प्रोडक्शन में तो चेंजेस आएंगे ना, तो आपका जो है प्रोडक्शन जो है वो पहले इंक्रीजिंग और फिर क्या होता है वो डिक्रीजिंग होता रहता है, जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर को क्या करते रहते हैं, इंक्रीज करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मोर देन ऑप्टिमम यूज़ ऑफ द फिक्स फैक्टर, कि आपको क्या करना है, ये जो आपका फिक्स फैक्टर है उसका ऑप्टिमम यूज होना चाहिए, ठीक है। थर्ड है आपका मोर देन ऑप्टिमम यूज ऑफ द फिक्स फैक्टर, कि आफ्टर मेकिंग द ऑप्टिमम यूज ऑफ अ फिक्स फैक्टर इफ इट इज कंबाइंड विद इंक्रीजिंग यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर देन द मार्जिनल रिटर्न ऑफ अ सच वेरिएबल फैक्टर वी कैन सू डिमिनिश, कि जैसे जो है जब आपको ऑप्टिमम यूज कर लेते हैं फिक्स फैक्टर का, ठीक है, आपको उसमें जितनी रिक्वायरमेंट है लेबर की वो आपने यूज़ कर ली है, लेकिन क्या होता है कि उसमें जो है आपने रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होगी लेकिन आप जो है वो वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते रहते हैं, ठीक है ना, तो उसकी जो मार्जिनल प्रोडक्शन होती है, मार्जिनल रिटर्न होती है, वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है या डिमिनिश होती जाती है, ठीक है। तो हमने जो है जैसे हमने पीछे एग्जांपल करा कि 10 हेक्टर लैंड के ऊपर पहले 5 लेबर 5 थे, फिर आप लेबर को बढ़ा के 10 कर दिया, ठीक है, तो हमारी जो है प्रोडक्शन जो है मतलब जो वेरिएबल फैक्टर है उसकी जो है मार्जिनल जो रिटर्न होती है वो क्या हो जाती है, कम होती रहती है, ठीक है, तो इसलिए भी ये लॉ जो है वो अप्लाई होता है। नेक्स्ट है इसका इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, ठीक है, ये इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि ये जो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फैक्टर है दैट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशन ऑफ द स्टेज ऑफ द डिमिनिशिंग रिटर्न, वन फैक्टर कैन नॉट बी यूज इन द प्लेस ऑफ द अनदर फैक्टर, ठीक है ना, एक फैक्टर जो है वो दूसरे उस पर जो है जगह जो है वो यूज फैक्टर जो नहीं हो सकता है, ठीक है। हैड परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन अमंग द फैक्टर बीन पॉसिबल देन आफ्टर द ऑप्टिमम यूज ऑफ अ फिक्स फैक्टर, जब हम किसी भी फिक्स फैक्टर का ऑप्टिमम यूज कर लेते हैं एज द यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर,
ठीक है ना, वेरिएबल फैक्टर का आर इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फिक्स फैक्टर कुड बी इंक्रीज बाय मेकिंग यूज ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है, सच ए सब्स्टिट्यूट वुड हैव मेड इट पॉसिबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन इन द सेम प्रोडक्शन एज बिफोर, बट रियल लाइफ फैक्टर आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट आफ्टर द ऑप्टिमम यूज ऑफ अ फिक्स फैक्टर। रियल लाइफ में जो ऑप्टिमम यूज ऑफ फिक्स फैक्टर है इट कैनॉट बी सब्स्टिट्यूट बाय एनी अदर फैक्टर, हम किसी और फैक्टर से इसको सब्स्टिट्यूट जो है वो नहीं कर सकते हैं। व्हेन फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर आर नॉट कम्बाइंड इन अ एप्रोप्रिएट रेशो, जब तक जो है वो दोनों ये आपका फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर जो है वो एक उनका बढ़िया जो है रेशो जो है नहीं होता है, ठीक है, तब तक आपका मार्जिनल जो है रिटर्न जो है एंड द वेरिएबल फैक्टर जो है वो क्या होने लग पड़ता है, डिमिनिश होने लग पड़ता है, कम होने लग पड़ता है, ठीक है। तो ये आपके थे कि आपका लॉ है जो है अप्लाई कैसे होता है, इसके पीछे क्या कारण है। नेक्स्ट है आपका पोस्टपोनमेंट ऑफ द लॉ, कि ये लॉ जो है कैसे काम नहीं करता है या कहाँ काम नहीं करता है। देखो फर्स्ट पॉइंट है इसका, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कैन बी पोस्टपोन्ड इफ इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, अब जो है अगर टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आता है तो ये जो लॉ है वो काम नहीं करता है। जैसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में बिकम इनऑपरेटिव फॉर द टाइम बीइंग ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कि जो ये लॉ जो है तब काम नहीं करेगा जब आपके टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस आते हैं। और सेकेंड है इसका, आल्सो द एप्लीकेबल कैपेबिलिटी ऑफ द लॉ कैन बी पोस्टपोन व्हेन सम सब्स्टिट्यूट ऑफ द फिक्स फैक्टर इज डिस्कवर्ड, वैसे तो हमारे पास जो फिक्स फैक्टर है उसमें कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है, फिक्स है, लेकिन ये लॉ जो है जब काम करना बंद कर देता है जब सब्स्टिट्यूट आपका फिक्स फैक्टर का जो है वो डिस्कवर हो जाता है, ठीक है, अगर वो डिस्कवर नहीं होता है तभी तक ये लॉ जो है आपका काम करता है, ठीक है। तो आज इसके बाद हम जो है रिटर्न टू ए स्केल करेंगे, वो आपका नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।